नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जब मैं खड़ा हूँ आपको देख के लग रहा होगा मैं किसी रेस्टोरेंट में आया हूँ, किसी बार में आया हूँ, रूफटॉप पे आया हूँ, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मेरे एक फ्लैट की एक रूफ है, बहुत ही कमाल का है। इसके अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बार टेबल है, पीछे आपको झूले मिल जाएंगे, पीछे आपको गेम खेलने के मिल जाएंगे, बच्चे कुछ एंजॉय कर सकते हैं रूफ के ऊपर। 500 गज का अपार्टमेंट है दोस्तों मेरा। इसके अंदर जो रूफ आपको मिलेगी कॉमन मिलेगी, इसमें 2 BHK और 3 BHK दोनों है। जो भी चाहे इसको रूफ को यूज कर सकता है, आपके बच्चे ऊपर आके खेल सकते हैं। ओपन जिम भी मिल जाता है दोस्तों, आप लोग इसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिट रह सकते हैं, या आपके बच्चे आके ऊपर गेम खेल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आप तो आप गेम भी खेल सकते हैं यहाँ पे आकर के। साथ ही साथ आपको मिल जाता है टेबल टेनिस की फैसिलिटी मिल जाती है, आप यहाँ पे आके टेबल टेनिस खेल सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस तरफ आप देखेंगे तो आपको पूरे स्पेस मिल जाता है बैठने के लिए, आप यहाँ पे अपना रेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको मिल जाती है यहाँ पे बैठने के लिए। दोस्तों कमाल की रूफ के साथ साथ कमाल के फ्लैट इसमें रेडी हुए हैं, एकदम 5-स्टार वाली फीलिंग आएगी आपको। मैंने रूफ के आपको एक छोटे से दर्शन करा दिए, एक छोटी जर्नी करा दी, अब आपको इसके अंदर मैं 3 BHK का फ्लैट दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब 3 BHK फ्लैट के दर्शन करते हैं, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज जो फ्लैट दिखाने वाला हूँ एक अपार्टमेंट में दिखाने वाला हूँ। उत्तम नगर का बहुत बड़ा अपार्टमेंट है ये। इसमें 3 फ्लैट आपको 3 BHK के आगे मिल जाते हैं, 3 फ्लैट आपको 2 BHK के पीछे मिल जाते हैं। अभी जो आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ 3 BHK का फ्लैट है, और एक छोटी झलक आपको मैं 2 BHK फ्लैट की इसमें डाल दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं इसकी वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना 3 BHK का फ्लैट दिखाना आपको। तो दोस्तों स्वागत है आपका प्यारे से ड्राइंग रूम के अंदर। आप देख सकते हैं लग्जरी सा हमारा ये फ्लैट रेडी हुआ है, बहुत ही शानदार सा फ्लैट रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस आपको ये ड्राइंग रूम मिल रहा है। साथ ही साथ आपको सामने की वॉल पे दिखाऊं तो आपको एक प्यारे से लुक के साथ आपको एक बड़ा सा LED पैनल मिल जाता है। आप देख सकते हैं पूरे वॉल को कवर करके एक लग्जरी सा फील आपको दे रखा है। आर्टिफिशियल ग्रास लगा रखी है, पूरा वुडन का वर्क कर रखा है। यहाँ पे आप अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। बीच में आपको मिल जाता है LED पैनल, जहां आप चाहो तो लगभग 50 से 55 इंच का TV लगा सकते हो। नीचे आपको ड्रॉ सिस्टम मिल जाता है, आप अपना म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो या कुछ भी अपना यूज कर सकते हो, रिमोट रख सकते हो। दोस्तों सामने की वॉल पे आपको ले जाऊं तो आप सामने की वॉल पे देख सकते हैं आपको प्यारा सा 3D वॉलपेपर मिल जाता है, ऊपर एक फैंसी लाइट मिल जाती है। यहाँ पे पूरा L टाइप का सोफा लगा रखा है, बीच में टेबल लगाने का, परफेक्ट लगाने का, फिर भी आपको जगह मिल जाती है, काफी स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ आप फॉल सीलिंग की बात करो तो फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा इसमें फॉल सीलिंग का डिजाइन हो रखा है। बीच में एक बढ़िया सा झूमर लगा के दे रहे हैं आपको, दोनों तरफ आपको फैन मिल जाते हैं। दोस्तों ये था हमारा प्यारा सा ड्राइंग रूम। अब आपको ड्राइंग रूम के बाद आपको दिखाता हूँ हमारा किचन। किचन में जाने से पहले आपको दिखाता हूँ, इसके साथ में आपको मिल जाता है पूरा डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं इसमें छोटा सा हमने डाइनिंग टेबल आपको लगा के दे रखा है सैंपल में। ये जो हमारा फ्लैट है इसमें सैंपल वर्क में कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो रखा है, ये अगर आप चीजें आप चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं पूरा आपको स्पेस मिल जाता है ड्राइंग रूम के अंदर, पूरा आपको सोफा लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना पूरा डाइनिंग एरिया आ जाएगा। अब आपको ले चलता हूं दोस्तों अपने किचन की ओर। तो दोस्तों किचन में आपका वेलकम है। आप देख सकते हैं किचन का जो स्पेस है काफी बढ़िया आपको स्पेस मिल जाता है, पूरा वुडन का वर्क हो रखा है, पूरा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है, व्हाइट और ग्रे कलर का सनराइज का कॉम्बिनेशन दे रखा है। ये देखिए दोस्तों पूरा वुडन का वर्क हो रखा है ऊपर पे। नीचे भी आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं, पूरा स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी रखे अपना क्रॉकरी आइटम कुछ भी रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये देखिए आपको नॉइस फ्री आपको सिंक मिल जाती है, ऊपर आपको मिल जाता है पूरा स्पेस, आरओ आपको लगा के दे रहे हैं इसके अंदर, आरओ आपको गिफ्ट है। और दोस्तों चिमनी की बात करूं, इसके अंदर जो चिमनी लगाई है काफी डिफरेंट है, अभी तक आपने किसी फ्लैट में नहीं देखी होगी मेरे। ये देखिए दोस्तों ये चिमनी आपको लगा के दे रहे हैं, बहुत प्यारी सी बढ़िया सी ब्रांडेड आपको चिमनी लगा के दे रहे हैं। दोस्तों ये था मेरा 3 BHK का किचन। अब आपको ले चलता हूं दोस्तों अपने मास्टर बेडरूम की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम में भी आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको वुडन की अलमीरा मिल जाती है, बीच में आपको ड्रॉर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे बेड लगाने के बाद भी आपको दोनों तरफ स्पेस मिल जाता है। दोस्तों
सामने की ओर पे एक बात करूं तो आपको सामने की ओर आप देख सकते हैं आपको एलईडी पैनल मिल जाता है, बड़ा सा एक एलईडी मैंने आपको इंस्टॉल करके दे रहे हैं। पीछे आपको मिल जाता है इसके 3D वॉलपेपर, इसका जो लुक है वॉलपेपर का बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, एक लग्जरी फील दे रहा है आपको। इसके बाद आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों इस रूम की जो फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के बाद दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगा सामने की ओर पे आप देखेंगे तो वुडन के साथ एक प्यारा सा वर्क कर रखा है। आप देखिए दोस्तों इसका जो लुक है काफी प्यारा लग रहा है, ये देखिए। अब आपको दिखाता हूं दोस्तों इसके आपको जो अटैच वॉशरूम मिल रहा है, ये देखिए दोस्तों ये आपका अटैच वॉशरूम है, ऊपर फॉल सीलिंग कर रखी है, वॉशरूम के अंदर भी पूरा स्पेशियस आपको ये अटैच वॉशरूम मिल रहा है दोस्तों। साथ ही इसके साथ में आपको मिल जाती है अटैच विंडो। दोस्तों अब आपको ले जाना चाहूंगा हमारे सेकंड बेडरूम में, अटैच बालकनी वाले रूम में। दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड बेडरूम के अंदर। इसके अंदर आप देख सकते हैं सामने हमने बेड रखा है, बेड रखने के बाद भी आपको दोनों तरफ स्पेस मिल जाता है, ये आपको काफी स्पेसियस रूम मिल रहा है दोस्तों। अब आपको दिखाऊं बेड के अपोजिट साइड आप देखेंगे आपको 3D वॉलपेपर मिल जाता है, ऊपर फैंसी लाइट मिल जाती है। साथ ही फॉल सीलिंग की बात करो तो एक लग्जरी सा फॉल सीलिंग का डिजाइन इसके अंदर भी आपको मिल जाता है। इस तरफ आपको दोस्तों हम ड्रेसिंग टेबल बना के दे रहे हैं, ये देखिए ये आपको ड्रेसिंग टेबल मिल जाता है दोस्तों। और दूसरी वॉल पे आप देखेंगे तो आपको मिल जाती है वुडन की अलमीरा, ऊपर तक वुडन की अलमीरा बन रखी है दो डोर के साथ, काफी स्पेशियस आपको अलमीरा मिलने वाली है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे मेन चीज हमारी बालकनी। बालकनी का स्पेस देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये देखिए हमने बालकनी में क्या यूनिक कर रखा है, ये देखिए बीच में टेबल, दो चेयर्स इसमें हमने बना रखी है, बहुत बढ़िया से आपको दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा से इसके लुक नजर आ रहा है। और बालकनी का जो स्पेस है दोस्तों, स्पेस की बात करो तो काफी स्पेस आपको बालकनी मिल रही है, लगभग 4 फुट की ये बालकनी है। नीचे आपको आर्टिफिशियल ग्रास जो है वो डाल के दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसका जो लुक है बालकनी है बहुत ही प्यारा है, यहाँ बैठ के आप लोग अपना चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं कुछ भी। दोस्तों अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ 3 BHK फ्लैट, जैसा कि मैंने बताया था इस बिल्डिंग के अंदर 2 BHK का फ्लैट भी है, तो उसके एक आपको छोटी झलक दिखा सकता हूँ। आप चाहे तो 2 BHK या 3 BHK कुछ भी परचेज कर सकते हैं। ये देखिए मेरे एक छोटी झलक 2 BHK फ्लैट की। दोस्तों अब आपको ले चलता हूँ थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम में ले जाने से पहले ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे राइट में तो आप देख सकते हैं पूरा किचन के बाहर जो वर्क कर रखा है, बहुत ही प्यारा सा वर्क कर रखा है। एक इस फ्लैट की और खास बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस फ्लैट में आपको 5-स्टार होटल जैसी फीलिंग आने वाली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसका कॉमन वॉशरूम, वॉशरूम में देखने का आप देखना, आप खुद बताना मुझे कि आपको 5-स्टार वाली फीलिंग आई या नहीं आई, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये देखिए दोस्तों ये इसका जो पूरा वॉशरूम बना हुआ है, ये देखिए इसके अंदर ये हमने मिरर लगा रखा है, और यहाँ पे आपको ये ड्रायर मिल जाता है हाथ सुखाने के लिए, यहाँ पे पूरा ड्रायर आपको दे रहे हैं। अब ये देखिए दोस्तों ये पूरा मिरर का वर्क कर रखा है अपने वॉशरूम के अंदर, ऊपर पूरा शावर वगैरह आप देख सकते हैं, पूरा जैसे एक 5-स्टार होटल के अंदर वॉशरूम होता है दोस्तों वैसी है, पूरा बहुत ही बढ़िया सा वर्क किया हमने इस फ्लैट के अंदर। अब ले चलता हूं दोस्तों इसके बाद अपना थर्ड बेडरूम में। दोस्तों स्वागत है आपका थर्ड बेडरूम के अंदर। थर्ड बेडरूम में आप देख सकते हैं सामने घुसते आपको एक स्टडी टेबल मिल जाता है बड़ा सा, जहाँ पे अपना बच्चा आपके स्टडी कर सकते हैं, आप इसको बच्चों का रूम बना सकते हैं, किड्स रूम बना सकते हैं। अब दोस्तों आप स्पेस की बात करो तो काफी स्पेसेस आपको ये रूम मिल रहा है। साथ ही आज के बाद आपको दिखाता हूँ मुझे इसका जो वॉलपेपर है काफी यूनिक है, बढ़िया सा आपको 3D वॉलपेपर मिल रहा है इसके अंदर। अब ले चलता हूँ दोस्तों अपने फॉल सीलिंग की ओर। फॉल सीलिंग देखिए इसका जो फॉल सीलिंग का डिजाइन है सिंपल शोबर, बहुत प्यारा सस्ता डिजाइन है आप देख सकते हैं, इसके जो फॉल सीलिंग है काफी सिंपल शोबर और बढ़िया आपको चीजें मिल रही है। तो दोस्तों ये था मेरा 3 BHK का फ्लैट, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका जो रूफ है, रूफ आपने देखा ही है, मैंने स्टार्टिंग आपको रूफ दिखाया है, इसकी जो रूफ है वो कॉमन है, इसपे कोई भी जा सकता है, चाहे वो 2 BHK वाला हो या 3 BHK वाला हो। कार पार्किंग की फैसिलिटी आपको इसमें दोनों फ्लैट के साथ मिल रही है, चाहे आप इसमें 2 BHK परचेज करें या 3 BHK परचेज करें, लिफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही प्यारी सी मेरी बिल्डिंग रेडी हुई थी, मैंने रेडी होते ही आप लोगों के लिए वीडियो बना दी है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरा फ्लैट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसका प्राइस जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जल्दी जल्दी दोस्तों इस फ्लैट के परचेज करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मिलता हूं एक ऐसी वीडियो है, तब तक के लिए नमस्कार।